हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द फैंटास्टिक गेम ऑफ रॉकस्टार दैट इज रेड डेड रिडेम्पशन 2 और जो गेम प्ले है नंबर हमारा 37। आपने पिछले गेम प्ले 36 में देखा कि अर्थर ने ट्रेड रॉबरी की मिलकर डच के साथ, और जिसमें जॉन का पता नहीं लग पाया कि वो मारा गया जहाँ पकड़ा गया, और इसके अलावा रेनफॉल के बेटे ईगल फ्लाई को भी अर्थर ने बचाया, पर लेकिन बचा नहीं पाया पूरी तरह से, कहा जाए तो वो मारा गया। इसके साथ ही डच को बॉन्ड्स प्राप्त हुए और बहुत सारा पैसा भी ट्रेन रॉबरी से प्राप्त हुआ, पर माइका लगातार डच के कान बढ़ता जा रहा है। तो आज के गेम प्ले के में देखते हैं हम क्या होता है। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करते रहें और शेयर भी करते रहें, कमेंट भी करें। तो देखते हैं आज के गेम प्ले में क्या होने वाला है मेरे साथ। तो बढ़ते हैं आगे। ये है इस गेम का आखिरी मिशन, इसका नाम है रेड डेड रिडेम्पशन। एक तरह से ये अर्थर का आखिरी मिशन है। अर्थर, आप देख ही रहे हैं कि अर्थर की सेहत लगातार गिरती जा रही है। बस यही कहूंगा कि मरने से पहले अर्थर को एक बार हाथ में माइक आ जाए, अच्छी तरह से पीटे और गेम का अंत हो। एबिगेल को पकड़ लिया है। तीली बता रही है। डच कह रहा है कि बुरा लगा ये जानकर, और माइका कमीना अपनी बात पर अड़ा हुआ है। Me and the boys know. Yep. We need to keep riding on this one, Dutch. You know it. Every man here knows it. We are going to let the boys make a motion. Hey, like that. What is it? I want to live, cowboy. I still got the choice, Dutch. हो सकता है उसे मार भी दे पिंगटन, और उसका कहना है वो बच्चा जतीम हो जाएगा। पर डच को अर्थर समझाने की कोशिश कर रहा है, पर डच समझ नहीं रहा माइका के दबाव के नीचे के भी नहीं बचाना चाहिए, के भी उसको कुछ नहीं करेंगे पिंगटन। पर अर्थर बचाना चाहता है, वो चाह रहा है जैक और एबिगेल चले जाएं, चाहे जॉन बच नहीं पाया है। और एडलर ने कहा कि हम दोनों ही बहुत हैं, हमें किसी की कोई जरूरत नहीं उसको बचाने के लिए, तो चलो हम बचाने चलते हैं। अर्थर ने टीली को पैसे दिए कि तुम ये पैसे लेकर जहाँ से निकलो। वो कह रही है मैं तुम्हारा धन्यवाद करती रहूंगी, तुम्हें हमेशा मिस करूंगी। अर्थर जैक को समझा रहा है कि तुम मजबूत रहना, मिलते हैं। तो चलो मिसेस एडलर चलते हैं, मेरे साथ चलो। अर्थर कह रहा है डच को अब इतनी भी परवाह नहीं रही कि उसके दोस्त जॉन का बेटा और पत्नी का क्या हो जाए, बेटा का जतीम हो जाए, वो उसको बस पैसा चाहिए पैसा। वो अपने आप को बहुत समझने लगा है, वो पूरी जिंदगी जो बोलता रहा है वो झूठी है, उसमें कोई शक नहीं। और अर्थर कह रहा है एडलर तुम तो खामखाई इस काम में घसीट ली गई हो, मैं इसके लिए सॉरी हूँ। एडलर कह रही है कि अगर तुम मुझे साथ ना चाहते तो मेरे लिए वो रात एक मौत की तरह थी, अगर
मौत से तुझे तुम्हारे के काम आना ज्यादा बढ़िया है। We're gonna make this right, me and you together. What's left of it. Hey! Now come on! Ditch the horses and come up with a plan. Both? How you feeling? I'm okay. I think you should cover me and I'll go in there and get her. Cause you're the better shot, I mean. That ain't what you mean. I can still fight. I know, Adler Arthur, रही है कि तुम मुझे do it my way, honey, for the best. Sniper लेकर अतर कह रहा मैं इतना भी कमजोर नहीं हो गया हूँ कि तुम मैं लड़ ना सकूँ. Please. तुम ऐसे इसलिए कह रही हो. पर Adler कह रही है तुम इस मेरे तरीके से चलो, इस काम को मेरे तरीके से करो. लाइट हाउस के ऊपर से मुझे प्रोटेक्ट करो, कवर करो, मैं आगे बढ़ती हूँ. मेरे तरीके से करने की कोशिश करो इसको. अब असर ऊपर से कवर देगा लाइट हाउस के ऊपर से स्नाइपर राइफल लेकर. और एडलर आगे बढ़ेगी. आज पिंकटन्स की तो पूरी चमड़ी दड़ी जाएगी, बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा पिंकटन्स को. एक एक को चुन चुन कर मारेगा आर्थर. आर्थर पर गुस्सा बहुत है. उन्होंने एबिगेल को उठा लिया और छोटे बच्चे को जैक को जतीम करने की तैयारी में है. पर आर्थर ये होने नहीं देगा. बोल लेकर जा रहा है मास्टर एबिगेल को अंदर. सैडी को पकड़ लिया. गोली चला रहा, गोली नहीं चल पाया. ठीक है मिल्टन, आर्थर कह रहा है कि जेंटलमैन की तरह ही बात करते हैं, तो चलो मिलते हैं.
Abigail or... Calm down, Mr. Morgan. That's quite a cough. अच्छा जी सेट डाउन हो रही है tuberculosis खांसी के बारे में I'll be dead soon and you with me Mr. Milton you'll be dead sure मैं जल्दी मर जाऊंगा but I'm gonna be just fine तुम भी मेरे साथ we offered you a deal Mr. Moore taking it कह रहा मैं ठीक रहूंगा तुम ही मर all you boys have quite so many scruples old Micah Bell Micah you mean Molly Molly O'Shea sweated her a couple of times, never talked a word, had to let her go. Micah Bell, we picked him up when you boys came back from the Caribbean. He's been a good boy ever since. Using your strength, Mr. Morgan. अब आर्थर को कार मिल गया है कि उसको क्यों उसको सजा देनी है बैंक को देखा करने की घटिया आदमी था Now come on, both of you. माइका सभी को गैंग के साथ धोखा किया तभी उसकी कार मरे चलो Find the horses. We need to get the hell out of here. सैडी दोनों को छुड़वा लिया और आगे बढ़ा जाए सैडी के साथ घोड़े पर बैठकर निकला जाए जहां से जल्दी एबिगेल जैक के बारे में पूछ रही थी अर्थर ने ना ही उसको अभी जैक के बारे में बताया ना ही जॉन के बारे में कि जॉन बचा नहीं है मर गया है या पकड़ा गया है शायद पकड़ा भी गया हो ये भी नहीं पता मर भी सकता है अभी तक कुछ भी नहीं पता है अब अर्थर सैडी के साथ बैठा है और सैडी बता रहे किस तरफ से आ रहे हैं अर्थर आज नहीं छोड़ने वाला अर्थर का चाहे बीमार है पर उसकी हिम्मत के आगे कोई नहीं दिख पाएगा आज अर्थर एक एक को मारकर ही दम लेगा आज आगे आ रहे हैं पीछे आ रहे हैं सब बता रही है सैडी मारा जाए और आगे बढ़ा जाए अर्थर कह रहा है मैं ठीक हूँ सैडी तुम घोड़ा दौड़ाते रहो मैं मारता जाता हूँ इनको मुझे लगता है सभी खत्म हो गए अर्थर ने रुकने के लिए कहा इनको कि मैं ठीक हूँ रुको अब अर्थर बताएगा इस एबिगेल को जैक के बारे में और जॉन के बारे में भी सैडी रोक रही है पर उसको ना बताने के लिए कह रही है ना बताओ पर आर्थर कह रहा है यही सही समय है वो पूछ रही जॉन के साथ क्या हुआ आर्थर कह रहा है मुझे नहीं मालूम मैं सोचता हूँ कि वो मारा भी गया हो सकता है जब हम ट्रेन से निकले थे ट्रेन पर जा रहे थे मारा गया हो और जहाँ पकड़ लिया गया हो मुझे अफसोस है मैंने उसे देखा नहीं जैक सुरक्षित है और वो
एडलर उसके उसको जैक के पास ले जाएगी। आर्थर कह रहा है जैक चाहे एक परफेक्ट इंसान नहीं था पर वो अपनी फैमिली को प्यार करता था, तुम्हें प्यार करता, अपने बच्चे को प्यार करता था। आर्थर कह रहा है आप दोनों जाइए, मुझे थोड़ी सी बात करनी है और मैं निकलता हूँ। मुझे लग रहा है अब जे माइका से पूरी अपना फाइनल चैप्टर क्लोज करके ही वापस आएगा। आप अच्छे लोग हैं, आप चले जाइए, जहाँ से निकल जाइए। बच्चे को लो और जहाँ से निकल जाओ। आर्थर उनको यही बोल रहा है। एबिगेल उसको चाबी दे रही है जाने की, जो चेस्ट में लुको कर छुपा कर रखता था वैगन के नीचे गुफाओं में। डच, उसमें पैसा है। इसने ये चाबी चुरा ली थी, वो कह रही है हमेशा से एक बढ़िया चोर थी। तो चलो बढ़ा जाए आगे। अर्थर ने अपनी हैट ले ली है। कितना बढ़िया म्यूजिक है जे। आर्थर को सभी की बातें याद आ रही हैं। कह रहे थे तुम अच्छे इंसान हो, ग्रेव में जाने से पहले तुम और बढ़िया बन सकते हो जैसे तुम बनना चाहते थे। अब वीवर हिलों की तरफ जाना है आर्थर को। माइका से अपना फाइनल अकाउंट बराबर करने के लिए। माइका मक्कार, उसको हमेशा वो जॉन और आर्थर पर ही गद्दारी का इल्ज़ाम लगाता रहा है, खुद गद्दार था, गैंग के साथ गद्दारी की, बहुत सारे जो थे गैंग के आदमी उसी कारण मारे गए, बैंक में भी उसी कारण मारे गए होंगे, धोखेबाज इंसान था, पर हमेशा कहता दूसरों को रहा धोखेबाज। आर्थर को तो ज़्यादा ही कहता रहा है, उसने डच के कान भी बहुत बड़े हैं आर्थर के खिलाफ। अब आर्थर पहुंच चुका है कैंप में, अब कन्फ्रंट करना होगा माइका को। माइका जहां सामान बांध कर बैठा है, सभी को कह रहा है चलो, ग्रिमशॉ को भी कह रहा है चलो जल्दी से जल्दी निकलो, निकला जाए। आर्थर कह रहा है कि हमारे पास बहुत समय है अभी, माइका रुक जाओ, अभी हमने बहुत लंबी बातचीत करनी है। वो हमेशा ही अपने चढ़ाने वाले अंदाज में माइका ब्लैक लंग बोल रहा है उसको। डच को कह रहा है आर्थर मैं मिल्टन से मिला था, उसने बता दिया कौन है धोखेबाज, मुझे इस बारे में थोड़ी सी बातचीत करनी है। माइका बहुत क्लोज था उसके मिल्टन के, इसी यही खबर देता था गैंग की मिल्टन को, पर मुझे लग रहा है डच को अभी भी यकीन है इस पर। ये तो होना ही था। माइका अभी भी कान भर रहा है डच के, डच दुविधा में पड़ गया है,
किसकी माने? ओ जॉन आ गया। आर्थर को पता लगेगा डच ने इसको मरने के लिए छोड़ दिया था। डच कह रहा है मेरे पास कोई चॉइस नहीं बची थी। अब आर्थर के पास और भी कारण मिल गया कि वो डच का विरोध कर सके। आर्थर कह रहा है कि मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया, पर तुम्हें इस स्नेक इस सांप पर यकीन है, माइका पर यकीन है। ग्रिमशॉ भी कह रही है बेल शांत हो जाओ, पिंकटन्स आ गए। बोल ये क्या कर डाला माइका ने, ग्रिमशॉ को मार डाला। डच पूछ रहा है कौन मेरे साथ है आप लोगों में से, कौन मेरे साथ धोखा कर रहा है। ग्रुप बन गए दो, बिल और जेवियर डच की तरफ हो गए। माइका तो पहले ही था, ये पता भी था। बस रह गए अकेले जॉन और आर्थर लड़ने के लिए। अब करना होगा जहां पिंकटन्स का मुकाबला। मारा जाए पिंकटन्स को। डच को माइका कह रहा है चलो हम निकल चलते हैं जहां से, जंगल की तरफ। जॉन भी कह रहा है आर्थर को कि हम गुफाओं की तरफ भागते हैं। अब जॉन को फॉलो करना है और गुफाओं की तरफ और भागना है। भागा जाए अभी बचकर, निकला जाए जहां से। आर्थर को कह रहे हैं कि आप सरेंडर कर दो, पिंकटन्स कह रहे हैं। जॉन कह रहा है कि वो मुझे मरने के लिए छोड़ गए, मुझे बचाया ही नहीं। आर्थर कह रहा है वो अब ऐसा ही करते हैं, मेरे साथ भी ऐसा ही किया, मुझे भी मरने के लिए छोड़ दिया था डच ने। डच धोखेबाज है। और माइका रैट धोखेबाज इंसान जो गैंग के साथ धोखा कर रहा है लगातार। आर्थर की सेहत भी खराब होती जा रही है। मुझे नहीं लगता आर्थर अपना बचकर निकल पाएगा। अब जहां पर आर्थर ने घोड़ों को बुलाया, घोड़ों को लेकर चलते हैं। एविगेल के बारे में बता रहा है आर्थर। जैक और एविगेल ठीक हैं, आर्थर ने बता दिया है जॉन को। थैंक यू कह रहा है। आर्थर उसको अब भी कह रहा है तुम जहां से चले जाओ फिर कभी वापस मुड़कर मत देखना इस तरफ, निकल जाओ, बचकर निकल जाओ। ओ माइका और डच पीछे आ रहे हैं आर्थर और जॉन के। उनको धोखेबाज कह रहे हैं, गद्दार कह रहे हैं। पिंकटन्स भी पीछे हैं और साथ में डच और माइका भी। जहां से भागा जाए जल्दी से जल्दी, निकला जाए अब। भागते रहना है जंगल की तरफ।
अरे ये क्या हो गया, घोड़े को गोली लग गई, घोड़े को मार दिया। घोड़े को मार दिया। जॉन कह रहा है चलो चलते हैं, आर्थर कह रहा है एक सेकंड दे दो मुझे, अपने घोड़े को थैंक यू कह रहा है आर्थर। तो अब आगे बढ़ना है, आर्थर कह रहा है पैसे का क्या, एबिगेल ने मुझे की दी है। जॉन कह रहा है मुझे मेरी फैमिली है, मेरी फैमिली इंपॉर्टेंस है, तुम पैसे पे मगर जाना चाहते हो तो जाओ। अब गेम ने हमें चॉइस दी है कि हमें जॉन की हेल्प करनी है या फिर पैसे को चूज करना है, पर ये तो डेफिनेट है कि आर्थर जॉन की मदद करेगा जहाँ से निकलने के लिए। तो चलो जॉन की मदद की जाए इस पहाड़ियों में से निकलने के लिए। आर्थर बहुत थक चुका है, अब मुझे नहीं लगता आर्थर अपने आप को और खींच पाएगा, सेहत उसकी खराब हो चुकी है पूरी तरह से। आर्थर कह रहा है मैं अपने आप को और कितना खींचूं, बस आर्थर के लिए अंत नज़दीक है। अब जहाँ से बचा कर जॉन को निकालना है, जॉन को साथ साथ में फॉलो भी करना है निकलने के लिए। जॉन को फॉलो किया जाए, निकला जाए जहां। अब मुझे नहीं लगता आर्थर और आगे बढ़ पाएगा। No, I think I've pushed all I can. Come on, you go. We ain't got time for this, not now. आर्थर कह रहा है कि मैं जितना अपने आप को खींच सकता था उतना खींच लिया, अब मुझसे आगे नहीं हो पाएगा, अब मेरा समय आ गया है, हम दोनों नहीं जब बच पाएंगे, तुम निकलो जहां से, मैं उन्हें रोकता हूं। आर्थर ने अपनी टोपी जॉन को दे दी है कि तुम निकलो। हमारे पास बात करने के लिए और समय नहीं है, निकलो अपनी परिवार के पास जाओ। इस नरक से निकल जाओ, वापस मुड़ के मत आना। आर्थर अब उनको रोकेगा, इंटेंस को। जितना हो सकता है रोकने की कोशिश करेगा। ओ
माइक आ गया। अभी ब्लैक लंग बोल रहा है उसको, ब्लैक लंग आत्र उसको धोखेबाज बोल रहा है। वो कह रहा है मैं धोखेबाज नहीं, मैं सर्वाइवर हूँ, मैं अपने आप को बचाया है। मेरा जो अपने आप को बचाने का तरीका था। एक बार अब माइक का हाथ में आ जाए, इसको सारे ब्लैक लंग बार बार जो बोलता था उसका तो बदला लेना है। आर्थर में ताकत चाहे कम है, फिर भी आर्थर लगा हुआ है उसको मारने में। रैट गॉडडैम ट्रेटर ब्रो, पूरा इसने धोखा दिया है गैंग को ट्रेटर ने। ले मर अब जाकर। रीढ़ की हड्डी नहीं है कमीने की, और अपने आप को गैंग का आदमी बोलता है, बड़ा आदमी बोलता है। ये बनेगा गैंग लीडर। ये कह रहा है हम जीते हैं। माइका को लग रहा है वो जीत गया। ले चल खा और दो गुस्सा। सब कुछ जीत और हार के लिए हो रहा था जहां पर उसका कहना है। ओ पिस्तौल दूर जाके गिर गई। रिवॉल्वर, रिवॉल्वर हाथ में तो आ गई थी। अब आर्थर रिवॉल्वर के पास पहुंचना है। माइका कह रहा है तुम नहीं पहुंच पाओगे आर्थर रिवॉल्वर के पास, तुम सब कुछ खो चुके हो मेरे मां दोस्त, हार चुके हो तुम। माइका कह रहा है हम जीत गए हैं तुम्हारी सारी कोशिशों के बावजूद भी। It is over. Now, Arthur. Oh, Dutch आ गया। It's over. Arthur ने Dutch के लिए इतना किया, फिर भी Dutch नहीं समझ पाया। You know, Micah का ही साथ दे रहा है। Arthur कह रहा है ये ही धोखेबाज इंसान है। कह रहा मैं जानता हूँ, क्या तुम भी जान पाए हो? पर डच अभी भी नहीं हट, डच को भड़काने में अभी नहीं हट रहा है माइका। पर थोड़ा थोड़ा एहसास हो चुका है मुझे लग रहा है डच को कि माइका गैंग में जो खबरी था वो ही था। समझ गया है डच, डच डच समझ गया है पूरी बात। वो बुला रहा है बार बार माइका के, चलो चलते हैं डच, हम कामयाब हो गए हैं, वो हम जीत गए हैं, चलो। पर आर्थर कह रहा है आप कोई नहीं जीते, सिर्फ जॉन जीत गया है। जॉन
ने अब जॉन ने अपने आप को बदल लिया है, हम सभी हार गए हैं, जॉन जीत गया है। मैंने कोशिश की, मैं और अंत में मैं कामयाब हो गया जॉन को जहाँ से निकालने के लिए। माइका अभी भी डच को कह रहा है चलो, मुझे नहीं लगता डच अब माइका के साथ जाएगा। माइका निकल गया अकेले ही। आर्थर जो चाहता था कि आर्थर अब की इच्छा थी कि जॉन अपनी फैमिली को लेकर इस नरक से चला जाए, उसमें कामयाब हो गया है आर्थर अपने अंत समय में। आर्थर का अंत समाप्त आ गया है। आर्थर अच्छे इंसान की तरह मर रहा है, फिर भी बहुत बढ़िया स्टोरी लाइन। आर्थर ये एक डियर जो आर्थर को दिखता था अपने सपनों में, जो अगर वो अच्छे तरीके से लाइफ जीता तो ये डियर दिखता, अगर बुरे तरीके से लाइफ जीता तो वो बियर दिखता। आर्थर अच्छे तरीके से जिया और मर रहा है, अब अच्छे तरीके से जा रहा है इस दुनिया से। तो मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि ये था आर्थर का एंड। तो मैं आपको कहूँगा कि अगर आपको हमारा गेम प्ले अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को और हमारे वीडियो को शेयर करते रहिएगा, कमेंट भी करिएगा। तो मिलते हैं अगली बार।